आज बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। कॉलेज में हमारा एग्जाम, नई DSD के ग्लव्स आ चुके हैं। कॉलेज में भयंकर रिएक्शन मिलते हैं भाई इसको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ये गलाम। तो भाई आज बहुत दिनों बाद मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। और भाई आज के सीन कुछ ऐसे हैं, कॉलेज में हमारा एग्ज़ाम, अपनी जी नौसों को हम यार कॉलेज लेके जाने वाले हैं। और ये मैंने यहाँ पे माउंट करके लगाया था 360 के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए लगाया था। अब किस चीज़ के लिए लगाया था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुके हैं, वो मैं तुम्हें बताऊँगा ढंग से आगे, है ना। बाकी फिलहाल आज का स्क्रीन कुछ ऐसा है, इसको लेके जाने वाले हम कॉलेज। और इतने टाइम से तुम बोल रहे थे भाई ग्लव्स ले लो, ग्लव्स ले लो, तो फाइनली अपने नए DSD के ग्लव्स आ चुके हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा सटल ब्लैक एंड वाइट कलर लिया अपनी पूरी थीम से मैचिंग, जो मैंने पूरा ब्लैक ऑल ब्लैक अपना सूट बना दिया है। बाकी कितनी सेक्सी लग रही है यार ये, फटाफट से कर लेते हैं उसका कोट स्टार्ट और निकलते हैं घर से। आज भाई मेरा एग्ज़ाम भी है इसलिए वीडियोज़ नहीं आई थी इतने दिनों से। बाकी सीन में तो मैं रेस्ट में जाता हूँ, क्या क्या चल रहा है अभी। तो जय श्री राम, चलो भाई। ओए होए 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 होए, ये बीस्ट है यार, कसम से ये बीस्ट है। हर बाइक का अलग मजा होगा, हर बाइक का, पर जो मजा जी नौ सौ देती है ना भाई, वो मजा मुझे नहीं लगता कोई और बाइक दे सकती है। अमेजिंग मशीन। चलो भाई फटाफट से पहनते हैं ग्लव्स, निकलते हैं और तुम्हें मिलता हूँ सीधे रास्ते में। चलो अब आता है जी, चलो जी चले। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हम निकल चुके हैं घर से और भाई आज सीधी नहीं जा रही है कॉलेज, क्योंकि उसका आज एग्जाम नहीं है। मेरे भाई दो एग्जाम है, किस्मत देख रहे हो तुम भयंकर। और मैं हमेशा की तरह हो चुका हूँ कतई गंदा वाला लेट, पर प्लस पॉइंट ये कि मेरे साथ आज सीधी नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा सही से चल सकता हूँ और जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँच सकता हूँ। भाई अगर आज सीधी साथ में होती ना तो भाई पक्का मैं उससे भी गाली खाता और टाइम पे हम पहुँच भी ना पाते, ऊपर से एग्जाम भी छूट जाता। अब फटाफट फटाफट चलना है भाई। अंकल जी खोल दो ट्रैफिक यार, एग्जाम है हमारा। अरे यार ये लोग कैसे ट्रैफिक चलाते हैं भाई, इन्हें ट्रैफिक ही चलाना आता कसम से। भाई जगह दे दो, जगह दे दो, आज भागने दो कॉलेज फटाफट। अरे हट जा यार जैसे ज्यादा जल्दी मेरे को अभी कदम से भाई, पेपर का टाइम और ऐसे ऐसे लोग आ जाए ना सामने। ये अंकल जी कहाँ जाएंगे, बस ये दुआ करो हमको ये चेकिंग में आज पुलिस ना मिले, क्योंकि अगर पुलिस मिली तो मेन दिक्कत ये है कि अपना टाइम बहुत बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। वरना कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, पेपर ऊपर चेक करा के चल जाएंगे, बट उतने में पूरा टाइम निकल जाएगा कॉलेज जाने का। ये देखो मैं बोल रहा था पुलिस ना मिल जाए, और सामने देखो। ओ भाई जब किस्मत के लगते हैं ना तो चारों तरफ से लगते हैं ढंग से। क्या हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है कि एग्जाम के लिए टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा यार। अजीब ही अजीब ही चीज़ है यार, तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा, बताओ तुम भी फंसते ऐसी कंडीशन में हमेशा लेट। अब बल्कि मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ, उसके बाद भी लेट हो गया। बाकी तुम लोग मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि तुम लोगों को ये ग्लव्स कैसे लग रहे हैं, सेक्सी लग रहे हैं ना। मज़ा आ रहा है, फील तो अच्छा है, थोड़े से बड़े फील हो रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं यूज़ करके कैसे लग रहे हैं, बड़े हो रहे होंगे तो फिर दूसरे मंगा देंगे एक छोटे साइज़ के। बस अब है पूरा सीधा सीधा, अब बनाते हैं रॉकेट इसका। ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, किस्मत अच्छी है यहाँ पे हमें पहले से ग्रीन मिल गया, वेट नहीं करना पड़ेगा। बट तुम ट्रैफिक की हाल देख रहे हो भाई, रोज ये रोड मुझे खाली मिलती है, और आज जब मैं लेट हो रहा हूँ ना पूरी रोड भरी हुई है भाई, ये पूरी रोड। Thank you.
भाई माफ करना, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग टू मच लेट यार, अब टेंशन हो रही है। भाई समय जो रिएक्शन मिल रहे होंगे ना बाइक को, बाइक के आवाज की वजह से, एग्जॉस्ट की वजह से, वो तुम सोच नहीं सकते। बट क्या करें, आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल कि मैं इस टाइम रिएक्शन बनाऊं। अभी तो मैंने स्पोर्ट्स मोड नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है स्पोर्ट्स मोड बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा सिटी के हिसाब से। एक तो ना एक गियर डालने में प्रॉब्लम हो रही है इन वाले शूज में। ये शूज का सोल ना बहुत ज्यादा पतला है जो आगे से वो होता है, राइडिंग शूज में एकदम लगते हैं गियर। भाई फाइनली हमने डाइवर्जन तो क्रॉस कर दिया। टाइम का मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, एक बार देख ही लेता हूँ क्योंकि 10 बजे मेरा एग्जाम जो है वो स्टार्ट होना है। तो लगा लो 9:55 तक मेरे को कॉलेज के अंदर एंटर करना होगा। ये लोग गेट पे आईडी भी चेक करेंगे आज, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगना है। छोड़ यार, गेट पे एक काम करते हैं, गेट पे टाइम चेक करेंगे और देखेंगे हम टाइम पे पहुंच पाए या नहीं। आज तो भाई खुद से ही रेस लग रखी है, खुद से ही। आज मेरे को एक ही गाना याद आ रहा है बार बार, ओ हटे जा, पहुंच दे मुझे कॉलेज में। ओ भाई कसम से भाई खतरनाक। अगर आज ये मेरी जान नहीं आने होती तो मुझे नहीं लगता मैं पहुंच पाता आज, बट अभी भी नहीं पता पहुंच पाऊंगा एनी टाइम, देखते हैं। बस रिलीफ इस बात का है क्योंकि मुझे बाकी बच्चे भी दिख रहे हैं कॉलेज जाते हैं, बट ऐसा ना हो इनका पेपर दूसरी शिफ्ट में हो और मेरा कट जाए। आ चुका है अपना फेवरेट स्ट्रेच, हटो। ओ भाई साहब, पहुंच गए भाई कॉलेज। दिखा दे अंकल आईडी, सही है। टाइम क्या हो गया अंकल, टाइम क्या हो गया? 57। पहुंच गए टाइम पे, चलो भाई 9:57 पहुंच ही गए भाई टाइम पे। हो जाएगी एंट्री कॉलेज में, क्लास में। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे बहुत फिसलती है बाइक। चलो भाई एक काम करते हैं, मिलते हैं तुमसे तब ब्रेक में, जब हमारा दूसरा पेपर होना होगा उसकी शिफ्ट में, है ना। बाय बाय। आवर्स लेटर। चलो भाई हो गया अपना अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट, अब निकल रहे हैं हम कॉलेज से, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर वापस आके पढ़ाई करेंगे। बाकी ये तुम सुनो अपने गरुड़ का कॉल स्टार्ट पार्किंग में। ओए होए 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 होए, भयंकर ही भाई, खतरनाक रोल करती है भाई। चलो भाई चले, कॉलेज में भयंकर ही रिएक्शन मिलते हैं भाई इसको। बाकी पता है ये तुम देख रहे हो ये IMS है, और ये जो बगल में गेट है ये है DIT। तुम देख सकते हो थोड़ा सा ये
डेकोरेट हो रखा है। तो यहाँ पे एक फेस्ट चल रहा था यूटोपिया, यूटोपिया जैसे तुम देख सकते हो ऊपर पूरा लगा हुआ है सब तामझाम। यहाँ पे था आज एक ऑटो शो जो कि किसी रीजंस की वजह से पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं पता, बट इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना यार, एंड टाइम पे इन्होंने ऐसा करा। और आज मैंने सोचा हुआ था कि चलो मैं कोई बात नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एग्ज़ाम को मेरे मिड टर्म ये इतना कुछ वो नहीं है तो छोड़ के वहाँ चलेंगे। और इन्होंने कल शाम को न्यूज़ शेयर कर दी भाई 6 बजे, इतना अनप्रोफेशनलिज्म है ना भाई। मन तो कर रहा है इनको बोलूँ पहले IMS में आओ, थोड़ी सी मैनेजमेंट पढ़ो, उसके बाद चीज़ों को मैनेज करना सीखो। इतना दिमाग ख़राब यार बताओ, बहुत बहुत अनप्रोफेशनलिज्म था यार ये कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज में ऐसी चीज़ अचानक से इतने शॉर्ट टर्म पे कैंसिल। ऊपर चलते हैं यार थोड़ा सा। यहाँ से एंट्री होनी थी कल हमारी, मतलब आज, अभी हम लोग अंदर शो में होते, बर्नआउट्स वगैरह चल रहे होते सब बढ़िया करके, बट क्या करे, कोई बात नहीं यार, फिलहाल चलते हुए खाना खाने, इसी बहाने अपना एग्जाम भी हो जाएगा। एक एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम बचा है अभी, उस एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे हैं बीच में, तो थोड़ा सा घूमी फिरमी करते हैं, एक खाना खाते हैं, एक पनीर के पराठा खाते हैं, फिर चलेंगे पढ़ाई करेंगे। और आज मेरी बहन भी मेरे साथ जाएगी भाई घर। ओ भाई भाई ये 0 to 100 इतना क्विक करती है ना, इतना क्विक करती है क्या बताऊँ। अभी अगर मुझे स्ट्रेच मिलाना तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि कितना क्विक करती है। यहाँ पे नहीं है, आगे बैंड है, एक स्ट्रेच मिल रहा है मुझे अच्छा सा, देखो इतने एरिया में कर लेगी। देख रहे भाई कितनी सी जगह थी, कितनी सी जगह में पूरा 100 पहुंच के आराम से रुक भी गई, कोई एग्रेसिव ब्रेकिंग भी नहीं हुई, आराम से रुक गई। ये है भाई पावर Z900 की, या फिर बोल लो Z900 की Kawasaki baby। इसमें पेट्रोल भी लगाना है यार, पेट्रोल लगा लेते हैं उसके बाद चलते हैं वापस। देखे भाई तुमने रिएक्शन, और सही बताऊँ आज मेरे पेट में चूहे नहीं, आज मेरे पेट में शेर कूद रहे हैं बहुत भूख लग रही है भाई। चलो खाना खाते हैं, आज दिल टूट चुका है इनका भी, इनका भी और तुम्हारे भाई का भी। चलो भाई हो चुका अपना खाना पीना कंप्लीट, अब जाएंगे हम कॉलेज में और पढ़ाई शढ़ाई करेंगे। बाकी अपनी बीच तो बड़ी ही प्यारी लगती है यार, इसको काला टीका लगाना पड़ेगा नहीं तो इसे मेरी ही नज़र लग जाएगी भाई कसम से, ये है इतनी प्यारी यार। होए होए, बाकी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम देखना चाहते हो तगड़ा सा बर्नआउट कॉलेज में। भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट भी कम पड़ गई इसके लिए। भाई बहुत भारी फील होती है जब इसको घुमा रहे होते हैं। भाई चले थोड़ा सा घूम फिर के कॉलेज जाएंगे।
साहब तुम्हारे भाई को व्हीली पॉप करनी आ गई, पर सेफ एरियाज में ही कर रहा हूँ, मेन रोड पे नहीं कर रहा। चलो भाई फाइनली चले कॉलेज के अंदर। हाय हाय यार, ये दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है ना, और एक दिन में जो दो दो एग्ज़ाम होते हैं भाई, कसम से दिमाग ख़राब बिल्कुल। इससे बेकार चीज़ कुछ नहीं होती, इससे बेकार तो 3 बजे वाली क्लास भी नहीं होती है। नहीं यार, दोनों का ही अपना अलग अलग दुख है। यहाँ लगाते हैं पार्किंग, बीच में मेरा डिसीजन स्विच हो गया। ये वाली पार्किंग मुझे बहुत पसंद है भाई। Hours later. चलो भाई फाइनली हो चुकी अपनी छुट्टी, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अपना। अभी बज रहे हैं भाई 4:30, और अभी बहन भी चल गई अपने साथ। फटाफट से बाहर निकलते हैं पार्किंग से, उसको उठाते हैं, सबसे पहले करते हैं अपनी 900 कोल्ड स्टार्ट। चलो क्या बढ़िया टोक थी यार, पता नहीं कैमरे में सुनाई दिया होगा यार, पर मज़ा आ गया। वन थम्स अप, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे नो हॉर्न। ओके भगवान, बढ़िया। फटाफट से अपने चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ तो हम एक तगड़ी सी कुछ चीज़ करते हैं। और यार एक चीज़ और, तुम लोग पता है जितने भी लोग देखते हैं ना, उसमें से 90% लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार, तो यार तुम लोग सब्सक्राइब कर क्या कर रहे हो यार। पता है सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने ना वो स्टैट्स की स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अगर जितने भी लोग देखते हैं उसमें से 50% लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होता ना भाई, अभी तक अपने 500 के प्लस सब्सक्राइब हो जाते, मे बी 1 मिलियन भी हो जाते जितना कि अभी तक व्यूज़ आ चुके हैं। तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, अपनी वीडियो देख रहे हो और ये वाला पोर्शन देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई लोग और प्यारी प्यारी गर्ल सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। तो 1 सब्सक्राइब = 1 करोड़ मोटिवेशन। सच में यार एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, एक एक काउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुम सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच
जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है बहुत पहले से, अभी से, जब से भी बस सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, बहुत जल्द एक तगड़ी चीज़ लाएंगे 500K में, मैंने बोल रखा है, प्रॉमिस कर रखा है, एक तगड़ी मशीन आएगी तो भाई, हाँ 500K में तगड़ी मशीन आएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। अब फटाफट से कर दो, कल ही हो गए, मैं कल ही जाऊँगा इतनी जल्दी तो नहीं होंगे, बट हाँ सपोर्ट दिखाओ यार, करो सब्सक्राइब, तुम दबा के सब्सक्राइब करो। चलो जी पहुंच चुके हम लोग घर। हाँ भाई कैसा था फिर एक्सपीरियंस बता, बाल देखो उसके देख सकते हो भाई, इतने सारे नए नए टायर मार के रखे हुए, सब बर्नआउट मारने के लिए रखे थे, देख सकते हो 1 2 4 5 सारे टायर बर्नआउट मारने के लिए मंगा रखे थे यार, बताओ शो ही नहीं हुआ। चलो भाई आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करना, बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी तगड़े से मोड व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, लाइक जरूर कर देना, ओके, लव यू इलाम।